अरे वो आपने चिंटू है ना, वो अपने दादाजी के साथ ना घूमने गया, तो फिर क्या हुआ वो आपको पता है? सुना तो फिर एक बार क्या होता है, मिंटू चिंटू को पूछता है, क्या रे चिंटू तुम्हारे गाल इतना लाल क्यों है? तो चिंटू कहता है, अरे हाँ तुझे ना कल का बताना तो भूल ही गया, कल ना मैं और मेरे दादाजी बस से घूमने गए थे, तो हम बस में बैठे, हमें जगह मिल गई तो हम बैठ गए जगह पे, तो फिर दादाजी ने टिकट विकेट निकाल लिया, तो फिर आगे के स्टॉप पर ना एक बूढ़ी माँ बस में चढ़ गई, तो उसे बैठने के लिए जगह नहीं थी। तो फिर मैंने दादी माँ से पूछा, दादी माँ आप ना मेरे जगह पर बैठो, मैं खड़ा रहता हूँ। तो दादी माँ ने मेरे तरफ गुस्से से देखा, कहा चुपचाप तेरे जगह पर बैठ। तो फिर मैं बैठ गया मेरे जगह पर। तो फिर आगे क्या हुआ पता है? आगे ना दादी माँ को बहुत पसीना आने लगा, वो बार बार पसीना पोंछ रही थी। तो फिर मैंने दादी माँ को फिर से पूछा, दादी माँ आप मेरे जगह पर बैठ जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं खड़ा रहता हूँ। तो फिर दादी माँ ने मेरे तरफ फिर से गुस्से से देखा और कहा, तुझे एक बार बताने से समझ नहीं आता क्या, चुपचाप बैठ तेरे जगह पर। तो फिर मैं फिर से बैठ गया मेरे जगह पर। तो फिर आगे जोर जोर से बस चलने लगी, दादी जी के पैर दुख रहे होंगे। तो फिर मैंने फिर से दादी जी को पूछा, दादी जी आप ना मेरे जगह पर बैठ जाओ, मैं बहुत टाइम बैठ गया मेरे जगह पर, आप बैठ जाओ मेरी जगह पर, मैं खड़ा रहता हूँ, आपके पैर भी दुख रहे होंगे। तो फिर दादी जी ने जोर से मेरे कान के नीचे मारी और कहा, अरे घर में तुझे बड़ों ने कुछ सिखाया नहीं क्या, बैठ तेरी जगह पर, मैं खड़ी रहूंगी मेरी। तो फिर मैं फिर से बैठ गया मेरी जगह पर। तो फिर मिंटू बोलता है, अरे तू बता रहा था ना दादी माँ को अच्छे से मेरी जगह पर बैठो, फिर भी क्यों मारा तुझे, किधर बैठा था तू? तो फिर चिंटू कहता है, मैं ना मेरे दादाजी के गोदी में बैठा था। क्या?